हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई सैंडविच। मलाई सैंडविच बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान लगेंगे, आइए देख लेते हैं। एक लीटर दूध, ये टोन मिल्क है, आप फुल क्रीम ले सकते हो। आधा कटोरी मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। 250 ग्राम शक्कर यानी चीनी, 2 चम्मच पीसा हुआ शक्कर, 10 धागे केसर के दूध में भिगोए हुए, 2 चम्मच क्रीम यानी मलाई, ये घर का निकला हुआ मलाई है, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो आइए बनाते हैं मलाई सैंडविच। तो सबसे पहले हम लोग दूध उबाल लेते हैं। दूध उबालने के लिए गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। दूध को मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और 5 से 7 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। दूध जो है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप पानी मिला देंगे। ये 1 कप पानी है, इससे टेम्परेचर जितना हमें चाहिए उतना ही मिलेगा। अब हम लोग दूध को फाड़ते हैं। इसे एक बार पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। ये देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है। इसमें ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच और डालेंगे। और ये देखिए इतना नींबू का पानी बच गया है, इसे नहीं डालेंगे हम लोग और इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक कि दूध और छेना अलग ना हो जाए। ये देखिए दूध और पनीर फट, दूध हमारा फट गया है, पनीर और पानी अलग अलग हो चुका है। इसे अब हम छान लेते हैं। देखिए एक बर्तन में हम लोग छन्ना लगा चुके हैं और ये गीला किया हुआ कपड़ा है। अब इसमें हम लोग अपना पनीर छान लेंगे। इसे थोड़ा सा हम लोग हाथों से दबा देंगे तो पानी जल्दी निकल जाएगा। ये गर्म है, थोड़ा केयरफुल करें। ये पानी अच्छा है, इसे फेंके नहीं। इसे पराठों के लिए आटा गूंदने में या कढ़ी बनाने में या सब्जी की ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और आइए इसे अब हम लोग ठंडे पानी से धो लें ताकि सारा खटास निकल जाए। ये देखिए इसे हम लोग दबा लेते हैं।
इसे अच्छे से दबाएंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। पानी हम लोग अच्छे से निचोड़ चुके हैं और अब इसे हम लोग नल में बांध के लटका देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो इसका निकल जाए। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई वजन भी रख सकते हो जिससे सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसे नल में बांध देते हैं। इसे 10 मिनट के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जब तक हमारा पनीर तैयार हो रहा है तब तक हम लोग चाशनी बना लेते हैं। तो आइए चाशनी बनाते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें शक्कर डालेंगे, पानी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आइए तो हम लोग अपना पनीर बंधा हुआ खोल लेते हैं। ये देखिए पनीर हमारा कैसा हुआ है। ये देखिए अभी से हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मिक्सी में मिलाने से हमारा आधा मेहनत कम हो गया है। अब इसे हमें ज़्यादा हाथों से नहीं मिलाना है, बस एक अच्छा डो तैयार करना है हल्के हाथों से, आटा के तरह मिलाते हुए। इसे हमें हल्के हाथों से आटे के डो के तरह मिलाना है। आधा से ज़्यादा हमारा मिक्सी में ही मिल चुका है, बस हमें थोड़ा और मिलाना है इसे। ये देखिए एक सॉफ्ट डो बनके हम लोग का तैयार हो चुका है। अब इसे हमें बराबर बराबर हिस्सों में बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स बनाने के लिए इक्वल भाग में हमें इसे निकालना है। ये 13 पीस बन के तैयार हुआ है। तो आइए इसे मलाई सैंडविच का शेप देते हैं और इसे अपने उबलते हुए चाशनी में डाल करके पकाएंगे। हमारा चाशनी भी उबल रहा है। ये देखिए चाशनी अच्छे से उबल रहा है। तो आइए रसगुल्ला तैयार कर लेते हैं। हमें चाशनी का पानी उबलते हुए ही होना चाहिए और हमें ये ध्यान देना है कि मलाई सैंडविच का जो पेड़ा है वो उबलते हुए चाशनी में जाए, नहीं तो हमारा जो मलाई सैंडविच का पेड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अब हम लोग इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके इसे हम लोग पकने देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दस मिनट हो चुका है। तो आइए
और हम लोग इसको पलट देते हैं। पलट करके फिर से इसको 10 से 12 मिनट पकने के लिए रखेंगे। इसको हल्के हाथों से पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। इसको हम लोग फिर से ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। दस से बारह मिनट हो चुका है, तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा मलाई सैंडविच का जो सैंडविच है वो बनके तैयार हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा मलाई सैंडविच का सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। तो आइए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और 10 मिनट इसी में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा मलाई सैंडविच का सैंडविच ठंडा हो रहा है तब तक आइए हम लोग मलाई रेडी कर लें। क्रीम, केसर वाला दूध, शक्कर 1 चम्मच, आप चाहो तो ज़्यादा यूज कर सकते हो क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसके लिए मैं शक्कर कम यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मिल्क पाउडर अभी और डालेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि जितना ज़रूरत हो उतना ही एक्स्ट्रा हमारा बर्बाद ना हो। एक डो तैयार करना है हमें। इस तरह का हमें डो चाहिए और इसे हम लोग 5-7 मिनट सेट होने के लिए रहने देंगे। सैंडविच हमारा ठंडा हो चुका है तो आइए इसे निकाल लेते हैं। सैंडविच हमारा ठंडा हो चुका है तो आइए इसे निकाल लेते हैं। इसका रस हल्के हाथों से निकाल लेंगे। इसको हम लोग बीच से कट करेंगे। ये देखिए कितना जालीदार बना है। इसी तरह से हम लोग सबको कट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग इलायची पाउडर मिला देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर के वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसे हम लोग राउंड कर लेंगे और हाथ पे फैलाएंगे इसे। ये देखिए हमें सैंडविच के ही साइज का ही बनाना है और इसे सैंडविच के ऊपर ऐसे रख देना है। उसके ऊपर से इसको कवर कर देना है। ये देखिए हमारा मलाई सैंडविच बन के तैयार है।
ये देखिए हमारा केसर मलाई सैंडविच बनके तैयार है। हम लोग का केसर मलाई सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और बिल्कुल परफेक्ट बना है ये हम लोग का केसर मलाई सैंडविच। और इसमें दूध है, केसर है और मिल्क पाउडर है और शक्कर है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हो। तो घर पे बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा बना है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।